हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीक मैंने एक आपके लिए वीडियो किया था स्केलेटल सिस्टम का, यानी कंकाल तंत्र का, और हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, अक्षय कंकाल तंत्र पढ़ा था। तो उसी के कंटिन्यूशन में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम हो जाए। ठीक है, चलिए थम्स अप करके बता दीजिए क्या सभी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है। तो स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास में यानी लास्ट सैटरडे को जो मैंने बताया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, बहुत हल्के हल्के। फिर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए फ्रेंड्स, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करवाता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं, अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप लोग? अनअकैडमी पे सर्च करना नीरज जांगिड़, मेरी प्रोफाइल आएगी। ठीक है, मेरी प्रोफाइल आएगी, आप लोग गाइज इसको क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, और फॉलो में स्पेशल क्लास में आप लोगों को मेरी क्लासेज मिल जाएगी, स्पेशल क्लासेज में। ठीक है, स्पेशल क्लासेज में आपको मेरी सभी क्लासेज वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है चलिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एक चीज और, कि वाईफाई स्टडी के द्वारा एक चैनल लॉन्च हुआ है, बहुत ही प्यारा चैनल है आपके लिए, 7 मिनट ट्रिक। इसमें रोज शाम को 7 बजे आप लोगों को एक ट्रिक मिलेगी, तो और मेरे द्वारा जो ट्रिक मिलेगी आप लोगों को हर शनिवार मिलेगी। तो आज शाम को 7 बजे लाइव आना ना भूलने, आप लोगों को हर शनिवार में एक एक वीडियो दूंगा 7 मिनट का, जो कि फ्रेंड्स आपका ट्रिकी वीडियो होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज जो मैं आप लोग को ट्रिक देने वाला हूं, जो आपके लिए वीडियो देने वाला हूं, वो दूंगा आप लोगों का ग्लैंड्स एंड हार्मोन का। आपको पता है एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो फ्रेंड्स, शाम को 7 बजे लाइव आना ना भूले 7 मिनट ट्रिक पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का स्केलेटल सिस्टम। देखो, मैंने बताया था कि जो सिस्टम्स होता है, हर सिस्टम का कुछ ना कुछ कार्य होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है फ्रेंड्स, आप लोग जो भी फूड खाते हो उसका डाइजेशन करना। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है, जो भी फ्रेंड्स वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। जैसे मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, श्वसन लेना, मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर आती है वो फूड का ऑक्सीडेशन करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो सिमिलरली गाइस, जो स्केलेटल सिस्टम है, हम लोगों ने देखा था कि इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को फ्रेंड्स एक शेप प्रोवाइड करता है, साइज प्रोवाइड करता है, चलने में सहायक है। ठीक है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में होता क्या क्या है। जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम में फ्रेंड्स बोन्स होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बात करी थी स्केलेटल सिस्टम में जो आप लोगों का पूरा वेट का 20% वेट आपका स्केलेटल सिस्टम का होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों के बच्चा बॉर्न होता है, चाइल्ड होता है, उसमें 306 हड्डियां होती है, और जब एक एडल्ट में अगर हम लोग बात करें उसमें 206 हड्डियां होती है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे ग्रोथ होती है बोन्स आपकी डिफ्यूज हो जाती है, तो 3-4 बोन मिलकर एक बन गई, 4-5 बोन मिलकर एक बन गई, तो टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स होती है वो 206 होती है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का हम लोगों ने फंक्शन देखा था, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट, चलने में सहायक। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था प्रोटेक्शन, आंतरिक अंगों का फ्रेंड सुरक्षा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था जो ब्लड सेल्स होता है उसका प्रोडक्शन भी बोन्स में होता है, और आप लोग का स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इनका मिनरल्स का जो स्टोरेज होता है इसी में होता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइज फंक्शंस। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर चुके थे, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होना। ठीक है, स्केलेटल डिवीजन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक था एक्सियल स्केलेटल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है, और एक था आप लोगों का अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो एक्सियल में कौन कौन सा था फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो आपके एक्सिस के अलोंग आ रहा है ना, जो अक्ष के अलोंग आ रहा है। ठीक है, ठीक है गाइज, ओके। तो फ्रेंड्स एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आया था हमारे पास में, स्कल आया था, खोपड़ी आई थी। ठीक है, ये आप लोगों के फ्रेंड्स स्टर्नम एक बोन होती है, चेस्ट बोन आई थी, रिब केज आई थी, पसलिया आया था, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आया था। ये सारा का सारा फ्रेंड्स किस में था, आप लोग के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में था। और आप लोग के अपेंडिकुलर में यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या आता है, इस एक्सिस के अलावा जो भी है, देखो ग्रीन, देखो हाथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाथ में कौन सी हड्डियाँ होती है, पैरों में कौन सी हड्डियाँ होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो 206 बोन्स होती है, उसमें से 80 जो बोन्स होती है, 80 हड्डियाँ वो किस में होती है, अक्षय कंकाल तंत्र
क्षेत्र में होती है और 126 जो हड्डियां होती है वो आप लोगों के उपांगीय कंकाल तंत्र में होती है। तो ये वाली कहानी हम लोग फ्रेंड्स पूरी पढ़ चुके हैं। 80 बोन्स के क्या नाम मैंने आपको बता दिए थे, क्या जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए गाइस। बिल्कुल यूट्यूब पे होगा, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे क्या, जल्दी से मुझे बोलिए क्या ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे क्या। मैंने आपको सारी चीज बताई थी कौन कौन सी बोन्स होती है फ्रेंड्स एक्सेल सिस्टम में, और 80 बोन्स के बारे में हम लोग देख चुके थे क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। इन 126 हड्डियों के बारे में देखेंगे कौन सी हड्डी कहां पर होती है। चलिए गाइज बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे एक्सेल में कौन सी बोन कहाँ पर होती है, सारी चीज़ें मैं रिवाइज करता हूँ ठीक है। कि आप लोग की जो 80 बोन्स हुई थी कैसे हुई थी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स 8 बोन्स आपके क्रेनियल बोन्स थी जिसको हम लोग बोलते हैं कपाल की हड्डियाँ ठीक है। 14 बोन्स आपके फ्रेंड्स फेस में थी, फेशियल बोन कितनी थी 14 बोन्स थी ठीक है। और गाइस एक हायोड बोन होती है वो कहाँ पर होती है गाइस, यहाँ पर होती है ठीक है, यहाँ पर होती है यानी जो आपका फ्रेंड्स बकल कैविटी होती है ना इसके बेस पे होती है। तो गाइस 8 बोन्स कहाँ पर हुई क्रेनियल यानी कपाल की, 14 किसकी हुई थी फेशियल बोन हुई थी ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखी थी कि 6 हड्डियां कहां पर होती है कान में होती है, 3 हड्डी इस कान में होती है, 3 हड्डी इस कान में होती है, और 1 हड्डी होती है आपकी हायोड बोन जो कि बकल कैविटी के बेस पे होती है। और इन सभी को हम लोगों ने किस में काउंट करा था, स्कल में करा था क्या, तो इन सभी को हम लोगों ने स्कल में काउंट करा था, खोपड़ी में काउंट करा था। 29 बोन आप लोगों की यहां पर हो चुकी थी ठीक है, थम्स अप करके बताइए गाइस ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंड जो वर्टिब्रल कॉलम होता है आप लोगों का मेरुदंड, इसमें आपके 26 हड्डियां इसमें होती है। फिर मैंने बताया था एक स्टर्नम होता है चेस्ट बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बोन आप लोगों की स्टर्नम बोन होती है ठीक है। और आप लोग की जो रिब्स होती है ना पसलियाँ, उसमें आप लोग की 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर यानी 24 हड्डियाँ होती है। तो 24 ये, 1 ये, 26 ये रहा, 29 ये रहा, इन सबको ऐड करोगे तो क्या 80 बोन्स आ जाएगी क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी सर आ जाएगी, 80 बोन्स आ जाएगी। तो अब ये बोन्स कहाँ पर होती है सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए। आज हम लोग देखेंगे उन 126 बोन्स के बारे में ठीक है गाइज। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ईयर में 3 होती है दिलबार जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके थे। स्कल में 29 होती है, वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आप लोगों को बता दी थी 26, आपकी एक स्टर्नम, और रिब में 24 ठीक है। चलिए आज गाइस हम लोग बात करेंगे किसकी, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग करेंगे, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे ना, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे कौन सी बोन्स कहाँ पर होती है ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, उपांगीय कंकाल तंत्र की। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि अभी तक की कहानी क्लियर है क्या, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, थम्स अप करके बता दीजिए, बहुत बढ़िया ठीक है ओके। तो फ्रेंड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के हम लोग बारे में बात करते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो भी हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है 206 होती है। तो 206 में से 126 बोन्स किस में होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होती है, उपांगीय कंकाल तंत्र में होती है ठीक है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी बोन्स होती है, तो गाइस ध्यान से देखो ठीक है। अब हम लोग किसके बात कर रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी एक्सिस के अलावा जो भी था है ना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला ठीक है। तो गाइज इसमें पहला पार्ट आता है लिम्ब्स यानी पाद। लिम्ब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है आप लोगों का लोअर लिम्ब यानी पैरों की बात हो रही है, और एक होता है आप लोगों के अपर लिम्ब यानी हाथों की बात हो रही है। तो गाइज इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिम्ब्स यानी पाद। फ्रेंड्स लिम्ब्स आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लोअर लिम्ब यानी निचले पाद, निचले पाद में आप लोगों के क्या आते हैं पैर आते हैं, और अपर लिम्ब्स के बारे में यानी किसकी बात कर रहा है, हाथों की बात कर रहा है ठीक है। गाइज ये बात क्या होती है, गेडल्स क्या होती है, मेखलाएं क्या होती है, गाइज ये एक तरह के सॉकेट होते हैं ठीक है। मतलब जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि आप लोगों का ये हाथ है, ये पूरा का पूरा हाथ कहाँ पर फंसा हुआ है फ्रेंड्स, ये शोल्डर में फंसा हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये दो तरह के गिडल्स होते हैं, एक तो आप लोग के यहाँ पर होते हैं और एक आप लोग के पैरों में होते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बात बताऊँ लिम्ब्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 120 होती है
टोटल नंबर ऑफ बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होगी, उपांगीय कंकाल तंत्र में सर 126 होगी। तो प्यारे दोस्तों अगर 120 ये हो गई तो 6 आपकी क्या होंगे, गिडल्स होंगी, मेकलाएं होंगी। ये क्या होती है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स लिम्स में मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है फ्रेंड्स आप लोग की हैंड लिम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिम्स बोलते हैं, ऊपरी पाद बोलते हैं, और एक होती है लेग यानी लोअर लिम्ब, इसको बोलते हैं। तो गाइज हैंड में आपकी 30 बोन्स होती है और इतनी ही बोन्स आपके लेग में होती है, तो क्या लिम्स में टोटल बोन्स आप लोगों की 60 हो गई क्या, कमेंट करके बताइए। ठीक है, मतलब एक हैंड में है ना, एक हाथ में 30 हो गया, देखो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, एक हाथ में 30 हो गया, ठीक है, इस हाथ में कितना हो जाएगा, इस हाथ में भी 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 60 हो गया। ठीक है गाइज, लेग में 30, एक पैर में, जो आपका एक पैर होता है ना, एक पैर होता है, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, यानी दोस्तों एक पैर में अगर 30 होगी तो दोनों पैर में मिला के कितनी हो जाएगी सर, 60 हड्डियां हो जाएगी। एक हाथ में अगर 30 होगी तो दोनों हाथ में मिला के कितनी हड्डियां हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 60 हो जाएगी। तो 60 पैरों में हड्डियां हो जाएगी, 7 हाथों में हड्डियां हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी के लिम्स में, यानी ये वाला पार्ट, ये हाथ पैर। ठीक है, कमेंट करके बताइए, यस करिए जी, बिल्कुल 120 समझ में आ गया क्या, ये 120 कैसे हुआ। अब हम लोग बात करते हैं गैडल्स की, यानी मेखलाएं। ये मेखलाएं क्या होती है फ्रेंड्स, बेसिकली एक तरह का ये सॉकेट है, ये एक तरह का सॉकेट है सर। सॉकेट क्या होता है, जिसमें कोई चीज फंसी होती है, मतलब अपना जो हाथ है पूरा का पूरा, ये क्या किसी चीज में फंसा हुआ है क्या, ये क्या किसी चीज में फंसा हुआ है कि बिल्कुल फंसा हुआ है, जैसे पैर है ये भी किसी चीज में फंसा हुआ है कि बिल्कुल फंसा हुआ है। तो गाइज ये आप लोग के दो टाइप के होता है, एक तो होता है आप लोग के पेक्टोरल, पेक्टोरल क्या होता है, जिसमें आपका हाथ फंसा होता है, जिसमें आपके हाथ फंसे होते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है पेक्टोरल है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है बताऊंगा, टेंशन ना लो आप। एक आप लोग का नीचे होता है जिसमें आप लोगों के पैर फंसे होते हैं, तो वो होता है आप लोग के पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल, तो इस पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन्स होती है सर, 2 बोन्स होती है। तो कहानी क्लियर हो गई क्या 126 की। मैंने आपको बताया जो 120 हड्डियां होगी वो तो आपके हाथों और पैरों में होगी, और जो 6 हड्डियां होगी वो आप लोग के सॉकेट्स में होगी, गिडल्स में होगी, मेखलाई में होगी। ये मेखलाई क्या होती है, जिससे हाथ या पैर जुड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आपके हाथ इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। और पैर जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, पेल्विक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी, 2 होगी। अब एक एक को क्या समझे क्या कि कौन सी कहां पर है, थम्स अप करके बताइए। ठीक है, थम्स अप करके बताइए फ्रेंड्स, एक एक चीज को समझे कि सर कौन सी कहां पर है, थम्स अप करके बताइए, चीजें समझ में आ रही है, लाइक और शेयर आप लोग इसको करते रहिए। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, जैसे कि मैंने आपको बताया 206 इसमें बोन्स होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पर होगी, ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अरे सर क्या आ गया, हम तो डर गए, टेंशन ना लो, चीज़ें समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया, पहले ग्रिडल्स की बात करते हैं, हम लोग मेखलाई की बात करते हैं। फ्रेंड जो शोल्डर ग्रिडल होगा, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कौन सा था ये आप लोगों का, पेक्टोरल। तो दोस्तों पेक्टोरल ग्रिडल होती है, उसमें 4 बोन्स होती है, 2 इस साइड होती है और 2 इस साइड होती है। क्या कहानी समझ में आ रही है क्या, एक बार थम्स अप करके बताइए। मैंने आपको बोला कि जो पेक्टोरल ग्रिडल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स 4 होती है, 2 इधर होती है, 2 इधर होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह आप लोग की शोल्डर जो ग्रिडल हो गया, यानी पेक्टोरल ग्रिडल्स, इसमें 4 बोन्स होती है, बस ये समझो 4 बोन्स होती है। कौन सी होती है मुझको नहीं पता, अब ये भूल जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आर्म एंड फोर आर्म्स में। ठीक है, ये आप लोगों की भुजा, आर्म्स फोर आर्म्स, इसमें आपकी कुछ हड्डियाँ होगी। ठीक है, फिर आप लोगों की फ्रेंड्स पूरे हाथ में होगी। ठीक है, फिर आप लोगों के पेल्विक में होगी, फिर आपकी थाई में होगी, फिर आप लोगों की फीट एंड एंकल्स में होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आप लोग कितनी हो जाएगी, 126। तो गिनते हैं एक एक कहाँ पर है ना, ये पैटला क्या है, टिबिया क्या है, फिबुला कहाँ पर है, तो एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग समझिए, आप मुझे बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है, कॉमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको इसमें लिम्ब दिख रहे हैं, ठीक है, लिम्स दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों को यहां पर ग्रिडल दिख रही है, यानी मेखलाई दिख रही है, बताओ क्या दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या आप लोगों को यहां पर पाद दिख रहे हैं या फिर आप लोगों को मेखलाई दिख रही है। गाइज मैंने आपको बताया लिम्स क्या होते हैं, या तो हाथ या पैर, तो यार ये हाथ दिख तो रहा है, ये हाथ दिख तो रहा है, ये हाथ दिख तो रहा है, तो गाइज ये ही आपका अपर लिम्ब है। और अभी मैंने बताया इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी, अभी मैंने बताया सर 30 होगी। ठीक है, तो एक हाथ आप लोगों का इधर ही होगा क्या, एक हाथ इधर भी होगा क्या, तो 30 प्लस 30 यानी 30 प्लस 30 यानी 60 हड्डियां तो आप लोगों के दोनों हाथों में मिला के होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये क्या आप लोगों को ये वाला क्या दिख रहा है, क्या आपका हाथ इसमें फंसा हुआ है क्या,
दोनों दिख रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, दोनों दिख रहे हैं बहुत बढ़िया कि सर एक तो लिम्स भी दिख रहा है। अब देखो ये आप लोगों क्या, ये गिर्डल है यानी ये आप लोगों की मेखला है। कैसे पता पड़ा मेखला है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फंसा हुआ है ना, देखो पूरा का पूरा हाथ इसमें फंसा हुआ है। तो गाइज इसमें क्या होती है, इसमें दो हड्डियां होती है, इसमें दो बोन्स होती है। और सिमिलरली गाइज आप लोगों का ये सेम का सेम इधर होता है, ठीक है। एक तो आप लोग का राइट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक आप लोगों का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो एक तो लेफ्ट में हो जाएगी, मतलब लेफ्ट में आप लोगों की दो बोन्स होती है और एक राइट में बोन्स होती है दो, ठीक है। 30 बोन्स इस वाले हाथ में, 30 इस वाले बोन में, तो 30 प्लस 30 आप लोग के 60 हो गया, दो और दो ये 64 आप लोगों की कहानी हो गई क्या, बताओ, ठीक है। तो समझे कहाँ पर हो जाएगा, मैं आप लोगों को बात बताऊँ लिम्स की। सबसे पहले 60 हड्डियाँ गिनते हैं कि 30 हड्डियाँ इस हाथ में, 30 हड्डियाँ इस हाथ में। तो क्या मैं आप लोगों को एक हाथ की 30 हड्डियाँ बता दूँ क्या? अगर आपको एक हाथ की 30 हड्डियाँ पता पड़ गई तो आप लोग को ये भी पता पड़ जाएगी, तो यानी 30 प्लस 30 60 हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें पेक्टोरल ग्रेडल की, तो मैं आपको इसमें दो हड्डियाँ बता देता हूँ, अगर आप लोग को ये दो पता पड़ गई तो दो और आप लोग पता लगा लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए समझते हैं गाइस कौन सी हड्डी कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोल्डर गिडल की, यानी आप लोगों की ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाइए, क्या ये आपके रिब्स है क्या, क्या ये पसलिया है क्या, पसलिया है क्या? बिल्कुल पसलिया है फ्रेंड्स। इन वाली बोन्स को हम लोगों ने किस में काउंट किया था? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किया था, अक्षीय कंकाल तंत्र में किया था। इसको आप लोग भूल जाइए, इसको आप लोग भूल जाइए। हमारी क्या कहानी पढ़नी है, हमको मेखलाई के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को ये वाला पार्ट पढ़ना है यार, ये वाला जिसमें आपका हाथ फंसा हुआ है, यानी गाइज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की, ठीक है। ये आप लोग के पेक्टोरल ग्रिडल दिख रही है, ये येलो येलो करके मैंने बताया, ठीक है गाइज। तो इसमें फ्रेंड्स दो बोन्स होती है, एक तो गाइज आप लोग की ये वाली दिख रही है क्या, देखो आपने हाथ करके देखो इधर की आपको हड्डी दिखेगी क्या, क्या आपको इधर हड्डी दिखेगी क्या एक? तो गाइस ये वाली हड्डी दिख रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्या होती है ये आप लोगों की? क्लेविकल बोन होती है सर। ये कौन सी बोन होती है सर? क्लेविकल बोन होती है, समझ गया सर। सर ये वाली जो बोन्स होती है, ये वाली बोन्स जो पूरी की पूरी दिख रही है ना, ये वाली बोन्स सर, ये वाली बोन कौन सी होती है? ये होती है आप लोगों की स्कैपुला। ये कौन सी होती है आप लोगों की? स्कैपुला। तो अगर मैं बात करूं ग्रिडल में, मेखलाएं में, एक साइड की मेखला में कितनी बोन हो जाएगी? एक तो ये हो गई क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, तो एक बोन ये हो गई और एक बोन आप लोगों की ये हो गई स्कैपुला, यानी आप लोगों के शोल्डर ग्रिडल में दो बोन्स हो गई राइट में, सिमिलरली सेम कहानी लेफ्ट में होगी। तो क्या टोटल नंबर ऑफ बोन्स आप लोगों को पता पड़ गया? चार होगी। थम्सअप करके बताइए, थम्सअप करके बताइए कि जो आप लोग का पेक्टोरल ग्रिडल होगा, जो आप लोग का पेक्टोरल ग्रिडल होगा, या फिर आप लोग इसको शोल्डर ग्रिडल भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ बोन्स चार समझ में आ गई क्या? थम्सअप करके बताइए, थम्सअप करके बताइए, क्या आपको चारों बोन समझ में आ गई? थम्सअप करके बताइए, चारों बोन समझ में आ गई? कौन सी बोन्स कहां पर है कमेंट करके बताइए। जी मेरे को चारों बोन समझ में आ गई, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के थम्सअप आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सभी के थम्सअप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, यानी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कहानी क्लियर हो रही है बायोलॉजी की धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आप लोगों को शोल्डर ग्रिडल्स, जिसको हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल्स भी बोलते हैं, उसमें मैंने आपको बताई थी चार बोन्स होती है। तो गाइज ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या? ये पेक्टोरल, ये चार समझ में आ गई क्या? क्या इसको मैं एक बार थम्सअप कर दूं क्या? इसको मैं कर दे क्या कि भाई इसकी कहानी खत्म हो गई सर? ये वाली कहानी समझ में आ गई पेक्टोरल की, ठीक है, ये पेक्टोरल की कहानी समझ में आ गई, ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब गाइज अब हम लोग चलते हैं हाथ पे, अब इसके बारे में देखते हैं यार, इसमें मैंने कितनी हड्डियां बताई थी कमेंट करके बताइए। इस वाले पार्ट में मैंने कितनी बोन्स बताई थी, कितनी हड्डियां बताई थी, कितनी बोन्स बताई थी कमेंट करके बताइए। इसमें मैंने कितनी हड्डियां बताई थी जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बोलता था, बताइए कौन बताता है। इसमें मैंने कितनी हड्डियां बताई थी, इसमें मैंने कितनी हड्डियां बताई थी जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोग कितना चीजें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 30 बहुत बढ़िया, अमरजीत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, फिर दीपक जी ने दिया है, फिर पीयूष जी ने दिया है, फिर क्या बात है, बहुत बढ़िया, यानी इसमें सर 30 बोन्स होगी। तो इस 30 बोन्स का नाम देखे क्या? ठीक है गाइज, अब देखो यहां पर मैं आपका ऐसे खड़ा हो जाता हूं, तो एक आपको राइट में हैंड है ये दिख रहा है पूरा, और एक आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ये वाला कौन सा गाइज? ये वाला देखो राइट वाला है, ठीक है। तो गाइज यहां पर क्या आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर एक बोन होती है क्या?
ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, देखो नीचे वाला पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें एक बोन इसमें हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमरेज बोन। यानी एक बोन समझ में आ गई कहां पर है, बिल्कुल समझ में आ गई, कहां पर है सर, यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब गाइस नीचे वाले पार्ट में आओगे, कौन से वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, देखो इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इसमें दो बोन्स होती है, इसमें दो बोन्स होती है, ठीक है, इसको ऐसे देखो, इसमें दो बोन्स होती है। तो वो वाली बोन जो अंगूठे की तरफ है, जो आपके थंब की तरफ है, जो थंब की तरफ है, ठीक है, मतलब वो वाली बोन्स, देख पा रहे हैं आप लोग मेरा हाथ, ठीक है, देखो ये वाली बोन जो थम्स की तरफ है, जो थम की तरफ है गाइस, ये वाली बोन है ना, मतलब इस बीच में उल्टा करके बता रखा है। तो ये वाली बोन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो एक बोन कौन सी हो गई प्यारे दोस्तों, ये आपकी रेडियस बोन हो गई, और इस वाली बोन को क्या बोलेंगे, उल्ना बोन बोलेंगे। तो एक बोन आप लोगों की ये हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब गाइज आप लोग की जो रिस्ट होती है ना कलाई, ये रिस्ट यहां पर फ्रेंड्स कितनी बोन्स होती है, छोटी छोटी आठ हड्डियां होती है। देखो आप लोग देख पा रहे हो यहां पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आठ हड्डियां होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पस। कितनी हड्डियां होती है प्यारे दोस्तों, आठ हड्डियां होती है, ठीक है, कितनी हड्डियां होती है, आठ हड्डियां होती है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है, कहां तक की कहानी हम लोग समझ चुके हैं, क्या ये वाली कहानी समझ गए, क्या बिल्कुल समझ गए, ये वाली समझ गए, क्या ये वाली समझ गए, क्या ये वाली कहानी समझ गए, क्या ये वाली रिस्ट वाली कितनी है, आठ हड्डी है, मैंने अभी आपको बताया आठ हड्डी है, कौन सी है, कार्पस है, ठीक है। कहीं अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या इस जगह एक हड्डी यहां पर है, क्या एक हड्डी यहां पर है, क्या हाथ लगा के देखो, देखो एक हड्डी यहां पर है, क्या एक 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 यहां पर है, क्या हड्डी है क्या यहाँ पर, बिल्कुल है। तो पांच हड्डियां आप लोगों को और मिल गई प्यारे दोस्तों, ये पांच हड्डियां देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाकार्पस बोलेंगे। तो मेटाकार्पस की जो संख्या हो जाएगी, इधर लिख देता हूं मेटाकार्पस, आई होप आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मेटाकार्पस सर, मेटाकार्पस की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, पांच मेटाकार्पस की संख्या हो जाएगी, ठीक है गाइस, समझ गए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से मुझे बताइए, आपके फिंगर है, इस फिंगर की बात करते हैं, इसमें आपको कितने तीन कितने पार्ट दिखाई देंगे, तीन दिखाई दे रहे होंगे आपके भी, देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये कैसे मुड़ सकती है, ऐसे मुड़ सकती है, तो एक हड्डी देखो ये रही, एक हड्डी ये वाली है, एक हड्डी ये वाली है, एक हड्डी ये वाली है, और एक हड्डी ये वाली है। ये कहानी किसकी हो गई, इस वाली उंगली की हो गई, ठीक है। किसी दूसरी उंगली को देखो, इसको देखो, बिली बॉर्डन वाला साइन। तो गाइस एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, और एक हड्डी ये रही, तीन हड्डियां इसमें भी एक है, बिल्कुल है गाइज, इसमें देख लो, इसमें भी तीन हड्डी है, बिल्कुल 1 2 3, बिल्कुल है। लेकिन अंगूठे में क्या कितनी है, आपके थम्स में क्या तीन है क्या, नहीं इसमें दो ही रह गई। तो गाइज अगर सब में तीन तीन होती, तीन तीन तीन, तो 5 × 3 = 15 होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे अंगूठे में थम्स में कितनी है, केवल दो ही बोन्स है। तो फ्रेंड्स इन सभी फिंगर, इन सभी बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। तो 3 6 9 12, लेकिन इसमें दो, यानी 14 आप लोगों की क्या हो जाएगी, फैलेंजेस हो जाएगी, ठीक है। तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, दो इसमें, तो 14 आप लोगों की फैलेंजेस हो जाएगी प्यारे दोस्तों। क्या गिन ले, क्या टोटल कितनी हो गई, तो गिनते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस बोन, एक बोन ये हो गई ह्यूमरस बोन, ठीक है। फिर आप लोगों की अंगूठे की तरफ रेडियस और एक उल्ना, यानी दो बोन आप लोगों की ये, दो जोड़ दूं, बिल्कुल जोड़ दो। फिर फ्रेंड्स आप लोगों के रिस्ट में थे कितनी थी, 8 थी, जिसको हम लोगों ने कार्पस नाम दिया, ठीक है। फिर आप लोगों के फ्रेंड्स यहां पर कितनी थी, इस जगह 5 बोन्स थी, यहां पर आप लोगों की 5 बोन्स थी। फिर इसके बाद में आप लोगों के फ्रेंड्स कार्पस गिन लिया, मेटाकार्पस गिन लिया आप लोगों ने, ठीक है, 5, और आप लोगों की फैलेंजेस 14। गिन लो टोटल, देखो टोटल कितनी हो रही है, ठीक है। तो 14 और 5 आप लोगों का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है भैया, 14 और 5 आप लोगों को कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 19 और 20, 21, 22, 22 और 8, 30, क्या हाथ में 30 हड्डियां समझ में आ गई, क्या थम्सअप करो। और फ्रेंड्स 30 इस हाथ में होगी, 30 इसमें होगी प्यारे दोस्तों, 60 हड्डियों की कहानी समझ में आ गई, क्या एक बार थम्सअप करके बता दो, थम्सअप करके बता दो, 60 हड्डियों की कहानी समझ में आ गई क्या। और यार सेशन इतने जने देख रहे हैं, इसको लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो क्या आप लोगों को, जो बोल रहे हैं गाइस कि सर हिंदी में भी बताओ, अरे इसको हिंदी में यही बोलते हैं, और आप लोगों को हिंदी में याद रखनी, बोन्स का नाम आप लोगों को हिंदी में याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले आप लोगों क्लेविकल बोन, ठीक है, ये कहाँ क्लेविकल बोन किस में थी फ्रेंड्स, आप लोगों के पेक्टोरल ग्रिडल में थी, ठीक है, यानी शोल्डर वाली मेखला में थी, शोल्डर ग्रिडल में थी। तो ये वाली कहानी तो भूल जाओ। अब हमारी जो कहानी थी वो कहाँ से कहाँ के बीच में थी, हमारी कहानी सर ये है,
तो क्या आपको 30 हड्डियां इसमें समझ में आ गई? थम्स अप करके बता दीजिए 30 हड्डियां इसमें समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ बोन सर कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी क्या? ठीक है, क्या ये वाली कहानी हम लोगों को समझ में आ गई? क्या हैंड वाली कहानी समझ में आ गई? क्या क्या इसमें थम्स अप कर दूं क्या? क्या इसमें कर दूं क्या? बताओ ये वाली कहानी समझ में आ गई? ठीक है, रेडियस के पास उलना है, ठीक है, ये वाली है रेडियस, ये वाली है रेडियस, ये वाली है रेडियस, ये वाली है, ठीक है। चलिए क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस पे मैंने टिक कर दिया, इसकी कहानी हो गई, इसकी कहानी हो गई। अब दो चीज़ें समझनी है, एक तो ये वाली कहानी और एक ये वाली कहानी। चलिए समझते हैं। तो अभी आप लोगों को पता है लेग में कितनी होती है, 30 इस वाले पैर में होगी, 30 इस वाले पैर में होगी, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी हम लोगों ने पूरी कर ली, इसकी कहानी पूरी कर ली। आर्म्स एंड फोर आर्म्स की हम लोग बात करते हैं। देखो गाइस, देखो ये सारी मैंने कहानी बता दी है। इसमें कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। टोटल ह्यूमरस कितनी हो जाएगी? एक इसमें दो इसमें आ जाएगी, ठीक है सर। मैंने आप लोगों को बता दिया, एक आप लोगों की उलना हो जाएगी और एक आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? रेडियस। रेडियस अंगूठे वाली टाइप, अंगूठे जो आपका थंब की तरफ है ना, ये आपकी रेडियस होगी और जो इस साइड वाली है ना, ये आपकी उलना होगी। तो दो आप लोगों की ये हो जाएगी और फिर आप लोगों की दो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया, सारी मैंने आपको गिना दी कौन सी बोन्स कहाँ पर होगी। ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो रिस्ट में होगी काप, ये आपकी कौन सी होगी? कार्पल्स होगी, ठीक है। इसके आगे आप लोगों की मेटा कार्पल्स, फिर इसके आगे 14 फेलेंजेस होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स लोअर वाले पार्ट की, लोअर वाले पार्ट की चलते हैं। ऊपर वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक चीज बताइए, इसमें आप लोगों को लिम्स दिख रही है या फिर आप लोगों को गिरडल्स दिख रहे हैं? बताओ क्या दिख रहा है? तो फ्रेंड्स देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये तो गिरडल्स है, मेखला है, और इसके अंदर आपका पूरा पैर फंसा हुआ है। ये आप लोगों की पैर है, यानी लोअर लिम्ब है, ठीक है, लोअर लिम्ब है यानी निम्न पाद है, यानी बेसिकली पैर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी सर? दो थी। इसमें दो थी क्या? देखो दिख रही है क्या? एक ये रही और एक ये रही। और इसमें कितनी होगी? इसमें पैर में 30 होगी, इस वाली टांग में कितनी होगी? इस वाली लेग में 30 होगी, ठीक है। क्या गिन ले क्या? बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स पेल्विक रिडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए तो गाइज, ये आप लोगों को अपना पेल्विक रिडल दिख रहा होगा। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो एक चीज आप लोग समझो, इसमें जो आपका पेल्विक रिडल होता है, मैंने आपको बोला दो बोन्स होता है गाइज, ध्यान रखो इस एक बोन में 3 हड्डियां होती है। कौन कौन सी? कोक्सल, ठीक है, इनोमिनेट और आपके हिप बोन्स। लेकिन इन सबको हम लोग एक ही काउंट करते हैं, ठीक है, इन सबको एक ही काउंट करते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पेल्विक रिडल में सिर्फ और सिर्फ दो बोन्स होती है, सिर्फ और सिर्फ दो बोन्स होती है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? सिर्फ और सिर्फ दो बोन्स होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात बताऊं कि जो मेल पेल्विस होता है ना, मेल पेल्विक जो होता है, ध्यान समझो, इसका ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या है? कम है। और जो फीमेल का होता है वो थोड़ा सा क्या होता है आप लोग के? ज्यादा होता है, ठीक है। फीमेल का क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बात आप लोग समझ गए? थम्स अप करके बताइए, ठीक है। मैं अपना शरीर मरने के बाद वाईफाई को दान करूंगा, उसका कंकाल तंत्र बना लेना ताकि बच्चे को और आसानी हो, ठीक है भाई। जतिन जी आप लोग पढ़ तो लो पहले, ठीक है। जतिन जी ब्लॉक होना है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पेल्विक बोल लो, पेल्विस बोल लो, हर जगह अलग अलग बोला जाता है, परेशान मत हो इसमें, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं हम लोग थाई की और लेग की। देखो अब यहां पर गिने गिनते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट आपकी जांग, थाई में कितनी हड्डी होती है? एक हड्डी होती है सर। कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। ध्यान रखिए, जो फीमर हड्डी होती है, फीमर बोन होती है, सबसे बड़ी होती है। एक हड्डी पता पड़ गई गाइज। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर नी होता है क्या? घुटना। तो एक हड्डी घुटने में होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हड्डी कौन सी होगी? पैटेला। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैटेला। तो एक हड्डी आप लोग की फीमर होगी, एक आप लोग की पैटेला होगी। अब आप लोग नीचे वाले पार्ट में आओगे, नीचे वाले पार्ट में, तो गाइज इसमें दो हड्डियाँ होती है। कौन सी होती है? एक होती है टीबिया और एक होती है आप लोग की फिबुला, ठीक है, ठीक है। यानी एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, दो हड्डी ये हो गई। अब फ्रेंड्स ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, एंकल वाला पार्ट देख रहे हो गाइस, एंकल वाला पार्ट। तो इसमें आप लोगों की 7 हड्डियां इसमें होती है, टार्सल्स। इसके आगे वाला पार्ट देख रहे हो, दैट इज मेटाटार्सल्स, इसमें 5 होती है और फेलेंजेस 14। तो फेलेंजेस तो फ्रेंड्स आप लोगों की उसमें भी थी,
किस में थी, आपके हाथ में थी, तो 14 ऐसे केस हो जाएगा। वहां पर हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कार्पल्स नाम दिया था और मेटा कार्पल्स नाम दिया था। यहां पर हम लोग क्या नाम देंगे, टार्सल्स और मेटा टार्सल्स। सेम कहानी है फ्रेंड्स, 7 आप लोगों की यहां पर हो जाएगी, 5 आप लोगों की यहां पर हो जाएगी मेटा टार्सल्स, 5 यहां पर। जैसे अपने हाथ का ये वाला पार्ट है ना, तो पैर का जो ये वाला पार्ट होगा ना फ्रेंड्स, वहां पर आप लोगों की 5 होगी। तो गिन ले क्या टोटल कितनी होगी, गिन लो टोटल, गिन लो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी। फीमर 1 हो गई, ठीक है, 1 बोन ये हो गई जो नीब में बोन है आपकी, 2 बोन आप लोगों की ये हो गई, ठीक है। और ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 7 + 5 = 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो टोटल गिन लो कितनी आ गई गाइस, 26 27 28 29 30, यानी एक पैर में 30 आ गई और दोनों पैर में मिला दोगे 60 हड्डियाँ हो जाएगी क्या, ठीक है। तो गाइस देख लो सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों के, ठीक है। फीमर 2 है, 2 फीमर है, 1 इस जांग में 1 इस जांग में फ्रेंड्स। 2 आप लोगों की टीबिया हो जाएगी और 2 आप लोगों की इस वाले को क्या बोलोगे, आप लोग फिबुला बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिट और एंकल में आप लोगों की होगी। ये एनिमेशन देख पा रहे हैं क्या, तो गाइज यहां पर हड्डी देख पा रहे हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मतलब स्टार्टिंग में यहां पर आपकी जो बोन्स है वो कितनी है, 14 आ गई, ठीक है, 14 बोन्स आप लोगों की आ गई, ठीक है। और ये आपकी मेटा टार्सल्स है, मेटा टार्सल्स में आप लोगों की कितनी बोन्स हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये जो टार्सल्स है ना, ये एंकल वाला पार्ट, इसमें आपकी 7 बोन्स हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कौन सी बोन्स कहां पर होगी। देखो यहां पर मैंने आपको 7 बोन बताई क्या, एंकल में जहां पर आप लोग बेस लेते हो, तो यहाँ पर टार्सल्स बोन्स 7 हो गई, या आप लोग की मेटा टार्सल्स 5 बोन हो गई और 14 बोन्स ये हो गई जिसको हम लोग फेलेंजेस बोलेंगे। तो ये कहानी आपकी खत्म हुई गाइस, किसकी हुई ये कहानी, किसकी खत्म हो गई आप लोगों की, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये कहानी आप लोगों की, ये वाली कहानी भी खत्म हो गई, ठीक है, और आप लोगों की ये वाली कहानी भी खत्म हो गई, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखो, इसको पेल्विक रिडल बोल लो या पेल्विस बोल लो, फॉरेन बुक में पेल्विक लिखा होता है, हम लोग पेल्विस पढ़ते हैं, कैसे भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, पेल्विस भी बोल सकते हो, ध्यान रखना इस बात का, कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप में। बताइए क्या हड्डियां समझ में आई क्या, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। क्या ऐसे ही सेशन में आपके लिए लेकर आऊँ क्या, कभी स्केलेटन सिस्टम का लिया, कभी फ्रेंड सर्कुलेटरी सिस्टम का, कभी नर्वस सिस्टम का, कभी एक्सक्रेटरी सिस्टम का, यानी कभी उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग बात करें, कभी हम लोग बात करें फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र की बात करें, ठीक है। क्या ऐसे और भी लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए क्या, थम्स अप करके बताइए कि सर स्केलेटन सिस्टम यानी आपका कंकाल तंत्र समझ में आ गया, अक्षीय कंकाल भी समझ में आ गया, उपांकीय कंकाल भी समझ में आ गया। तो गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगी, पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेना, अभी 2 मिनट बाद में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये चैनल है और ये ग्रुप है, मैंने आपको बताया 7 मिनट ट्रिक का एक बहुत ही शानदार चैनल लॉन्च हुआ है, तो इसमें रोज शाम को 7 बजे 7 मिनट का आपको एक वीडियो मिलता है, और मेरे द्वारा जो वीडियो होगा वो एवरी सैटरडे हर शनिवार मिलेगा। तो आज सैटरडे, आज एक वीडियो मिलेगा, बहुत ही प्यारा वीडियो मिलेगा, ठीक है, ग्लैंड्स का और हार्मोन का ट्रिक्स के साथ मिलेगा, सारी ग्लैंड्स और हार्मोन आपको तभी याद हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी में फ्री क्लास भी पढ़ाता हूं, एक शाम को 4 बजे होती है लेट्स करेक्ट साइंस, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं, शानदार MCQ सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं, रोज शाम को 4 बजे होती है। आज नहीं होगी ना, आज सैटरडे को नहीं होगी, बाकी आप लोगों की रोज होगी है। और बायोलॉजी की भी क्लासेस होती है, इस क्लास की टाइमिंग क्या, ये एवरीडे 1 PM। आप लोग बोलेंगे इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो अनअकैडमी लर्निंग की आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, चूज अवर गोल में करिए SSC, इसके बाद में मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगिड़, जैसे ही मेरी प्रोफाइल आ जाएगी आप लोग क्या कर लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद में गाइस क्या होगा, आप लोगों को स्पेशल क्लास में सारी क्लासेज मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि आप लोग पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप लोगों को जैसे वहाँ पर क्या फ़ायदा है, तो अगर मेरा एक साइंस का बैच आ रहा है, साइंस सुप्रीम बैच, बिल्कुल 0 से हीरो वाली कहानी होगी, इसमें सारे एग्जाम्स की साइंस कवर होगी, बिल्कुल बेसिक से इसमें स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें कवर होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 13 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बुधवार से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन करिएगा, ऑप्शन आएगा 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, तो 12 महीने का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि मात्र मात्र 6,000 रुपये का है। और इसमें एंटर रेफरल कोड यदि डालेंगे नीरज11 डाल के अप्लाई करेंगे तो 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा, और आप लोग SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो SSC कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, GK के हो, सारे ऑल ओवर इंडिया एजुकेटर के आप लोग कोर्स एक्सेस कर पाएंगे, और साथ में आप लोग को इसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। बताओ गाइस, क्लास के नीचे कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगी, क्या एफर्ट पसंद आया गाइस आपके लिए मैंने करा है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए अगले वीक भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही जैसे हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, एक एक बोन्स को हम लोगों ने समझी है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए, और उस क्लास के बारे में बताइए कैसा आप लोगों को लगा, बताइए।
ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन आप लोग की फीमर होती है, ठीक है, और सबसे जो छोटी होती है वो स्टेपिस होती है जो कि कान में होती है। आज 1 बजे क्लास नहीं है गाइस, आज क्लास नहीं है, बाकी आप लोगों की रोजिना होगी। शाम को 7 बजे वाला वीडियो आप लोग देखना, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्लास कैसे लगी, क्लास के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और शाम को 7 बजे मिलते हैं 7 मिनट्स ट्रिक पे, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।